नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बहराइच के जरवर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत कटका मरोठा के गडरियापुरवा गांव का संपर्क सड़क तालाब में हुआ तब्दील। जर्जर संपर्क सड़क पर ग्रामीण को निकलना लोहे के चने चबाने के जैसा बराबर है। ग्रामीण पिछले 7 वर्ष से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं, बावजूद जिम्मेदार आला अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में मस्त हैं। ग्राम पंचायत कटका मरोठा के गडरियापुरवा गांव का संपर्क सड़क पर 2 फीट पानी भर जाने की वजह से ग्रामीण गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिससे ग्रामीण आए दिन गिरकर चोटिल हो जाते हैं। गडरियापुरवा गांव से रिवलिया हाता पुरानी बाजार सहित सैकड़ों गांव को जोड़ने वाला संपर्क सड़क है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से संपर्क सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे होने की वजह से ग्रामीण आए दिन मोटरसाइकिल से गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारी मामले से बेखबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ सड़क गड्ढा मुक्त का दावा कर रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत में गड्ढा मुक्त के जगह पर संपर्क सड़क तालाब में तब्दील हुआ है। ग्रामीणों को वाहन क्या पैदल चलना दुश्वार हो रहा है। बारिश होने पर सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिससे ग्रामीण गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिससे ग्रामीण गिरकर आए दिन चोटिल हो जाते हैं। सवाल उठ रहा है, कब तक जागेंगे कुंभकर्ण की नींद से पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारी, कब मिलेगा ग्रामीणों को राहत की सांस। मेरा नाम शफीक। सड़क की समस्या को लेकर क्या कहना चाहते हैं? समस्या को लेकर क्या आपके सामने है, जो इतना पानी भर रहा है, जल भराव हो रहा है, इसमें हर लोग परेशान हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। थोड़ा 2 फीट पानी है इसके ऊपर। गांव का क्या नाम है? गांव का नाम है गड़ेजनपुरवा। नाम है आपका? खलील। क्या समस्या है? अरे समस्या यही है कि जो ये रोड बनी हुई है, पहले रोड बना हुआ था, बीच में पानी भर जाता है, 2 फीट ऊंचा पानी भर जाता है, लोग इसमें आते हैं मोटरसाइकिल से, पैदल सब गिर जाते हैं, और यहाँ आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। यहाँ पर आने जाने में बहुत बड़ी तकलीफ है। कितने सालों से यह समस्या है? ये कई सालों से है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब चलता रहा किसी तरह से, लेकिन अब तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है, 2 फुट गहरा पानी भरा हुआ है।